Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. Today's lecture is on instruments to achieve the key objectives of macroeconomics. This lecture is going to be in Urdu language. अगर आपको याद हो तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था, वो था मैक्रो इकोनॉमिक्स के की ऑब्जेक्टिव्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स के की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इस लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव समझाए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जाए जाके देखें। पहले आप ये समझ लें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है एक गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता हो कि एक सीरीज बना रहा हूँ जिस तीन लेक्चर्स पे मबनी है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, जिसमें मैंने तीन लंबे लंबे लेक्चर्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिल्कुल बेसिक के एक मैक्रो इकोनॉमिक्स करती क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये मैंने तीन लेक्चर्स के अंदर समझाया और ये तीसरा और आखिरी लेक्चर है उस सीरीज का। ठीक है, अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक, ये है हमारा आज का टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या किरदार अदा करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक गवर्नमेंट के सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझाए थे, वो कैसे अचीव हो जाएं। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किरदार है, फिस्कल पॉलिसी का क्या किरदार है, एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या किरदार अदा करती हैं, एंड लास्टली इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हैं वो तीन इंस्ट्रूमेंट्स जो गवर्नमेंट यूज करती हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरे साथ रिपीट करो जल्दी। इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर 2 फिस्कल पॉलिसी, नंबर 3 सप्लाई साइड पॉलिसीज। अब इसकी डिटेल में चलते हैं कि ये क्या होती हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखना कि ये लेक्चर सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पे नहीं है। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाने बैठा तो ये 2-3 लेक्चर गुजर जाएंगे, सिर्फ मैं मॉनेटरी पॉलिसी ही आपको समझा रहा हूँगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं इसके अंदर आपको दूंगा, क्योंकि ये बेसिकली जो मेरा मकसद था, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आ जाए, बजाय इसके कि आप सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को देखते रहे कि एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। इससे थोड़ा बाहर निकल के ये समझें कि कंट्री कैसे रन होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जनाब मूव करते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहला घपला जो स्टूडेंट्स करते हैं वो हमेशा इस चीज को अदल बदल कर देते हैं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक, जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इंडिया में उनका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करेगा, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स को यहां है वो ये है कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। देखो मेरी बात को समझो, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के इख्तियारात से बाहर कोई इदारा नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए या कोई भी, वो बैंक गवर्नमेंट के मातहत काम करता है, उसके अंडर काम करता है। ठीक है ना जी, उसके ऊपर नहीं होता है, गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट बैंक नहीं होता है। तो बेसिकली स्टेट बैंक जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं करता, गवर्नमेंट से अप्रूवल होती है, इनका एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट का और स्टेट बैंक का। गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है हमेशा स्टेट बैंक हेल्प करता है, स्टेट बैंक को जब जरूरत पड़ती है, स्टेट बैंक ही मेन होता है जो सारी बैंकों का माँ होता है और बैंक चल रहे होते हैं तो मुल्क चल रहा होता है जनाब। ठीक है, तो बेसिकली इसको ये ना आप कंफ्यूज हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर और बेशतर ये लिखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड सो ऑन। गवर्नमेंट नहीं फॉर्मुलेट करती है, स्टेट बैंक करता है, लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। ठीक है, सो पहली चीज, एक्शंस रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है, जो स्टेट बैंक है। टू कंट्रोल ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ है,
मैंने ये बहुत डिटेल से आपको समझाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर भी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो पॉजिटिव होने चाहिए। क्विकली यहां पे दोबारा रिपीट कर देता हूं, जीएनपी, जीडीपी, जीएनआई, एनएनआई, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटल इनकम, जीडीपी पर कैपिटा एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब है इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और इसके अलावा और भी दीगर चीजें हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन अब इस डेफिनेशन के बाद ऊपर वाली डेफिनेशन पढ़ो, जरा अच्छी तरह से समझ आएगा। इट इज रेफर्ड टू सेंट्रल बैंक्स एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी। पहली चीज, मॉनेटरी पॉलिसी में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए इकोनॉमी में, ये डिसाइड होता है सबसे पहले। ये आपको शायद पता हो कि अगर कोई कंट्री पैसे को प्रिंट करना शुरू कर दे, अपने नोट्स को प्रिंट करना शुरू कर दे, तो उसकी इकोनॉमी की तबाही हो जाती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का, यहां पे मुझे आप रिच डैड पुअर डैड का रेफरेंस मत दीजिएगा, उस पर जब मैं आऊंगा तो फिर हम वहां की बातें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको यहां पर वो बात समझाना नहीं चाह रहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशन को लेके आए। जब किसी चीज की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है और उसकी उतनी डिमांड ना हो तो क्या होता है, उसकी प्राइस जमीन पे आ जाती है, सेम पैसे के साथ उसूल होता है। एक पैसे को छाप छाप के आप उसकी सप्लाई इतनी बढ़ा दें, उतनी डिमांड मार्केट के अंदर है नहीं, इकोनॉमी आपकी ऐसे डीवैल्यू होती है करेंसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है कितना नोट छापना है, कितनी मनी सप्लाई मार्केट के अंदर होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उसको हम जब मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल के साथ कवर करेंगे, वो भी कोई 20-25 लेक्चर्स पे मबनी, तो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी होगी। चलिए जी, सो पहली चीज क्या हो गई कि क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, अच्छा एंड क्रेडिट, कितना उधार देना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये उधार जो है बेसिकली ये अपने मुल्क के रेजिडेंट्स को भी कितना देना है, और अगर आप खुद एक काबिल, यानी एक आप कह लें कि एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री है, आपसे कोई उधार मांगने आता है, उसको कितना उधार हमने देना है, ये आप जहन में जरा रखें। जब हम किसी कंट्री से, हमारे लोग जब किसी कंट्री से उधार लेके आते हैं, तो उस कंट्री को एग्जैक्ट पता होता है कि क्या वो इतने अहल हैं कि वो आपको उधार दें। क्योंकि आप अगर उधार खा गए तो आप, तो वो कंट्री क्या करेगी ऐसी सूरत हाल के अंदर। तो पहली चीज तो ये होती है। दूसरा कि जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम आती है, और इसी के साथ साथ आपका नौजवान रोजगार स्कीम आती है एंड सो ऑन। बेसिकली ये उधार दे रही है ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता है कि कितना क्रेडिट हमने मार्केट में देना है और कितने इंटरेस्ट रेट पे देना है, कितने इंटरेस्ट रेट पे देना है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये समझ के जंप ना लगा दें बिला सूद कर्जे। अगर आप कर्जा लेने जा रहे हैं तो जरा वहां पे पहले क्लिक करें और उसकी डिटेल्स को पढ़ें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके पढ़ें कि कितना आपको इंटरेस्ट देना होगा। 3% देना होगा, 3% पर ईयर है, या आपको 5% देना है, या टायर 1 में कितना है, टायर 2 में कितना है, टायर 3 के अंदर कितना है, उस पर कैबो कितना लगेगा एंड सो ऑन। वो कितने अरसे में मेच्योर होगा, अगर मेच्योर नहीं, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले पढ़ें, इससे पहले कि आप अपने आप को किसी मुसीबत के अंदर डाल दें। पहले आप तैयार हो जाएं, अपनी प्लानिंग करें, उसके बाद जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करती हैं कि कितने इंटरेस्ट रेट पे हम कितना कर्जा दे सकते हैं, और इतना कर्जा जब हम वापस लेंगे इतने इंटरेस्ट रेट के साथ, तो कितना पैसा हमारे पास उस वक्त जनरेट हो जाएगा। अब जरा इसको मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी समझ आ रही है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बड़ा अहम किरदार अदा करती है इकोनॉमी को रन करने के लिए, उसके जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं। भाई देखें ना, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, हमने सेट ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ा था कि जी सोशल वेलफेयर, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये जो पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग होती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी की सारी सहूलतें फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यही पढ़ाया था ना मैंने आपको। अब सवाल ये है कि ये सारी फराहम करने के लिए क्या आसमान से पैसा बरसेगा? भाई पैसा गवर्नमेंट को जनरेट करना होगा, तो जब गवर्नमेंट को पैसा जनरेट करना है तो वो पैसा जनरेट कैसे करना है ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो, तो यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उसको डिस्कस कर रहे हैं। कितना क्रेडिट देंगे, उस पर हम कितना इंटरेस्ट लेंगे, कितना पैसा हमारे पास आएगा, कितना पैसा मार्केट के अंदर फेंको, कितना पैसा मार्केट से खींच लो। समझ आ रही है बात? तो दोबारा से उसको रीड करो। इट इज रेफर्ड टू सेंट्रल बैंक्स एक्टिविटी। सबसे पहले सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करता है, डायरेक्टली टूवर्ड मैनेजिंग द क्वांटिटी
ऑफ मनी नंबर वन एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी नंबर टू इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई मैंने भी पढ़ाया एंड क्रेडिट एंड एक्सचेंज रेट्स ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जैसे कि आपने भी हाल ही के अंदर सुना होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे कि जनाब वो डॉलर की कीमत ऊपर बढ़ने की वजह से हमारे कर्जे और बढ़ गए एंड दैट इज ट्रू वो इसीलिए हुआ है क्योंकि एक्सचेंज रेट जब ऊपर नीचे होते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कंट्री से पैसा लिया हुआ है और उस कंट्री को आपने डॉलर में पैसे वापस करने हैं और डॉलर की कीमत बढ़ती है तो अब आपको ज्यादा रुपया वापस करना है उसे जनाब तो ये एक्सचेंज रेट्स को भी मैनेज कौन करता है सेंट्रल बैंक करता है कौन करता है जी सेंट्रल बैंक करता है सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको सफिशिएंट डिटेल के साथ पढ़ाया बहुत ज्यादा डिटेल नहीं ताकि हमारा लेक्चर ड्रैग ना हो जाए तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी नंबर टू सेकेंड वन फिस्कल पॉलिसी अब फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करती है गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है सेंट्रल बैंक फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करती है गवर्नमेंट भूलना नहीं एग्जाम के अंदर गलत मत लिखना इट इज रेफर्ड टू गवर्नमेंट्स डिसीजन अबाउट टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग एंड बोरिंग मैंने एंड जरा ज्यादा लगा दिया तो तीन चीजें नंबर वन टैक्स कितना लगाना है किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पैसा कहां खर्च करना है कहां नहीं खर्च करना है नंबर तीन बोरोइंग क्या करनी है कहां से पैसा लेना है किस कंट्री से लेना है आईएमएफ से लेना है नहीं लेना है वर्ल्ड बैंक के पास जाना है नहीं जाना है दोस्त कंट्री के पास जाना है नहीं जाना है अवाम के अंदर हमने कोई बॉन्ड इश्यू करने सिक्योरिटी बॉन्ड इश्यू करने उसके एवज में पैसा लेना है नहीं लेना है ये सारे डिसीजन फिस्कल पॉलिसी में लिए जाते हैं ठीक है अब इसको नीचे डिटेल से पढ़ते हैं इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज और एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू इट्स स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टैक्सेशन के ऊपर मैंने आपको पहले भी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया था मेरी जो डेफिनेशंस की शॉर्ट वो है प्लेलिस्ट उसके अंदर आप जाके देख लीजिएगा वहां पर मैंने टैक्स पढ़ाया है व्हाट इज कॉल्ड टैक्स व्हाट इज कॉल्ड टैरिफ इन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लेकिन यहां पर मैं क्विक रिव्यू आपको दे दूं ताकि आप घबराना नहीं है आपने ठीक है टैक्स कैन बी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है एक चार्ज जो गवर्नमेंट लेती है ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है कितना लगाना है लोगों की इनकम पे लोगों की आमदनी पे जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है एक चार्ज लेती है आपने मुल्क के अंदर रहते हुए मुल्क के असासों को इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाया भाई साहब टैक्स दीजिए हमें अपनी इनकम पे से हमें टैक्स दें हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में फिर भी बहुत कम टैक्स है और बहुत बड़ी आवाम ये डायरेक्ट टैक्स नहीं देती एक बात मैं थोड़ा सा बता दूं हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी आवाम टैक्स नहीं देते 100% पाकिस्तान में आवाम टैक्स देती है ये बात जरा आप सब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सुन लें पाकिस्तान में इंडिया में 100% आवाम टैक्स देती है मगर इनडायरेक्ट टैक्स देती है डायरेक्ट टैक्स बहुत थोड़े से लोग देते हैं डायरेक्ट टैक्स थोड़े से लोग देते हैं अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम पे लगता है दूसरा कौन सा है इनडायरेक्ट टैक्स जो अशिया पे चीजों पे गुड्स पे सर्विसेज पे लगता है अभी अभी मैंने कॉफी पी अभी इस कॉफी जो ये मैंने कॉफी खरीदी थी इस कॉफी के एवज भी मैंने एक टैक्स दिया था गवर्नमेंट को वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है मेरी इनकम पे से नहीं गया मगर उस चीज में से जो मैंने खरीदी ठीक है ये कितना टैक्स लगाना है ये फैसला गवर्नमेंट का होता है किसका होता है जी ये फैसला गवर्नमेंट का होता है सो टैक्स कैन बी डायरेक्ट टैक्स टैक्स कैन बी इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स कैन बी इंक्रीज और लोअर टू ऑल्टर द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर्स हैव टैक्सेस को कभी बढ़ाया जाता है टैक्सेस को कभी कम किया जाता है मेन टास्क ये होता है कि लोगों की डिस्पोजेबल जो इनकम है ना उसको बढ़ाया जाए डिस्पोजेबल इनकम यानी देखो मैं ना इसको बड़ा आसान करके समझाता हूँ कोई भी गवर्नमेंट कामयाब जब होती है जब वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों की जेब से निकलवा सके कैसी लगी मेरी बात समझने की कोशिश करो इसको इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों पे टैक्स और महंगाई को बढ़ा बढ़ा के उनको जान से मार दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है कि ऐसी पॉलिसीज ऐसी स्कीम्स ऐसी हाउसिंग स्कीम्स ऐसी ऐसी चीजें लाई जाएं कि लोग रह ना सकें अपने उस पैसे को होल्ड करके बल्कि लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दें लोग पैसा निकालें और मार्केट के अंदर फेंकें लाके जो भी देखो अगर पैसा किसी ने अपने पास घर में होल्ड कर लिया है घर में रख लिया तो वो पैसा हुकूमत के किसी काम का नहीं वो बेकार है
पैसा बैंक में रखवाया तो बैंक उसके ऊपर पैसा जमा करेगा और मजीद पैसा बनाएगा, बट इट्स ओके, समहाउ इट हेल्प्स द गवर्नमेंट। बट द थिंग इज, अगर गवर्नमेंट ऐसी हाउसिंग स्कीमें, हाउसिंग पॉलिसीज और ये और वो और बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड और पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आती है, इसके एवज में क्या होता है, गवर्नमेंट आपसे पैसा ले लेती है, उस पैसे के ऊपर वो पैसा बनाती है। तो अब ये जो टैक्सेशन का सारा मामला है, ये इसी के जुमरे में जाता है, कितना टैक्स लगाएं, कितना ना लगाएं, ताकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। दूसरी चीज, दो तरह की फिस्कल पॉलिसीज होती हैं। कौन सी? नंबर वन, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। दोनों बहुत लंबे टॉपिक हैं, बहुत डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं दो दो लाइनों के अंदर ये बात आपको समझाता हूं। गवर्नमेंट यूजेस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट कब यूज करती है? जब उसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी होती है। एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डिमांड जब वो इंक्रीज करनी होती है ना, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की जाती है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ तरीके हैं, वो सारे बड़े लंबे हैं, तो जब हम फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक पढ़ेंगे, तकरीबन 8 या 7 लेक्चर्स होंगे उस पर, जब हम फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, कैसे अप्लाई की जाती है। लेकिन इतना समझ लो कि जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी हो, उस वक्त एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की जाती है, और जब एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना हो, ओवरऑल डिमांड को रिड्यूस करना हो, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की जाती है। कुछ चीज़ों में भी कभी ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ानी होती है, कुछ चीज़ों की डिमांड कम करनी होती है, ये सारी फिस्कल पॉलिसीज़ का गेम वहाँ हो रहा होता है। टैक्स कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना है, किस पे लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, किस पे छूट देनी है, किस पे सब्सिडी देनी है, एंड सो ऑन। क्लियर हो गई यहां तक बात? फिस्कल पॉलिसी क्लियर हुआ? इससे पहले मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया था, क्लियर हुआ? देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूं, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस वक्त मैं डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूं, सिर्फ मैं आपको आले बता रहा हूं, जिसे औजार कहते हैं वो बता रहा हूं, टूल्स बता रहा हूं, इस टूल का ये काम है, इस टूल का ये काम है, इस टूल का ये काम है। वो टूल अभी मैं आपके हाथ में देके नहीं कह रहा कि जाओ जाके आप मशीन पे काम करो, क्योंकि जब हम इसको डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे तो सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के ऊपर लेक्चर होगा और दाएं बाएं कहीं नहीं जाएगा। चलिए जी मूव करते हैं, सप्लाई साइड पॉलिसीज, तीसरा टूल सप्लाई साइड पॉलिसीज। पॉलिसीज डिजाइन टू इंक्रीज द नेशनल आउटपुट। अब गौर से समझो, नेशनल आउटपुट, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि जो हमारा ओवरऑल नेशनल आउटपुट है वो बढ़े, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्शन बढ़े, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। ये सप्लाई साइड की पॉलिसीज है, सप्लाई को इंक्रीज किया जाए। सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट की जो डिमांड है वो मीट हो जाएगी, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जितनी इंपोर्ट उतनी मुसीबत, उतना डॉलर बाहर जाएगा। अगर हमारी सप्लाई डिमांड से, डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा होगी, वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इन एक्सपोर्ट मार्केट। जब हम एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके रिटर्न में हमारे पास डॉलर आएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, सप्लाई साइड पॉलिसीज आर अडॉप्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत दफा रिपीट कर चुका हूं। वो चीजें वो सप्लाई, उन गुड्स की सप्लाई, उन सर्विसेज की सप्लाई जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनको इंक्रीज करवाना है। अच्छा, वो क्या होता है, वो उसको करवाया कैसे जाता है? कभी कभी गवर्नमेंट की डिसाइड करती है, यार टैक्स कम कर दो, टैक्स कम करो, टैक्स कम होगा लोग खुश होंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, तो चलो हमें लार्जर स्केल के अंदर तो फ़ायदा होगा। कभी कभी बोरोइंग रेट्स जो हैं उसको भी कम कर दिया जाता है, लोअरिंग द बोरोइंग रेट्स। क्या लोग आ रहे हैं बैंक से कर्जा लेने के लिए, हुकूमत से कर्जा लेने के लिए, हुकूमत के लिए कम लेवल हो, कम पैसों पर कर्जा ले लो। ज्यादा बड़ी तादाद में जब कर्जा जाएगा और लोग उसको जनरेट, भाई देखो मेरी बात को गौर सुन लो, आप जाते हैं गवर्नमेंट के पास, हमें पैसा दो, आप उससे पैसा लेके कहां रखते हैं, पैसा कहां रखते हैं, बैंक में रखते हैं ना, फिर गवर्नमेंट के पास चला गया। गाड़ी खरीद ली, चीज खरीद ली, जिससे खरीदी उसने पैसा कहां डाला है, फिर गवर्नमेंट के पास चला गया, बैंक में गया। तो
अब ये अब अगर गवर्नमेंट उस पैसे को रखी रहेगी, उस पर कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं, कोई जनरेशन नहीं होगी, उससे फायदा क्या होगा? इससे अच्छा आपको देके लोअर रेट के ऊपर कम से कम वो कुछ जनरेट तो करेगी ना भाई, ठीक है। दूसरा, डीरेगुलेटिंग द इंडस्ट्रीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डीरेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है? रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडस्ट्री वाइज सेट किए जाएं, या तो रिमूव किए जाएं या रिड्यूस किए जाएं। अभी ये हाल ही के अंदर पाकिस्तान में किसानों के साथ जो है वो बड़ा अच्छा सलूक किया गया, और दूसरी साइड पे हमने इंडिया के अंदर देखा कि वहाँ किसानों के, मैं इस डिटेल में नहीं पढ़ा, इसको पॉलिटिकली ना लीजिएगा, कि वहाँ किसानों के बड़े जो हैं वो प्रॉब्लम्स हुए, उन्होंने हड़तालें की, सब कुछ किया, क्योंकि शायद जो पॉलिसी सेट हुई उससे किसान एग्री नहीं कर रहे थे वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ये हुआ, उलट हुआ उसका, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिडिल मैन को बाहर निकाल दिया। जो बहुत सारे मिडिलमैन होते थे, जैसे गन्ना चीनी इसकी उसकी पैदावार के अंदर मिडिलमैन भरे हुए होते थे, उन्होंने उनको निकाला। अच्छा, ये मिडिलमैन क्या होता था कि यहाँ पे किसान बेचारा पैदा कर रहा है और वो सस्ते तरीन दाम के ऊपर ले जाके बेच रहा है, फिर वो अगला बीच के अंदर बड़े बड़े एजेंट बैठे हुए, फिर वो गवर्नमेंट के गोदाम तक पहुंचाते थे। गवर्नमेंट ने इन सबको निकाल के बाहर फेंका और बोला, किसान भाई डायरेक्टली गवर्नमेंट को ला के बेचो, आप अपना गन्ना, अपनी चीनी, अपना ये गुड़ हमें डायरेक्टली ला के आप भेजें। समझ आ रही है मेरी बात? तो अब क्या किया, ये ऐसे इंडस्ट्री को डीरेगुलराइज किया, कानून चेंज किए। जब कानून चेंज किए, यू इंडस्ट्री एकदम आसमान पे गई, जो हमारे ऐसे जा रहा था ना वो एकदम ऊपर गया। क्यों? किसान को पैसा बचा, उसको पैसा बचा, उसने उसको एक तरह से वो उसका पैसा रिटेन प्रॉफिट हुआ, उसे उठा के दोबारा अपनी जो है वो फसलों के अंदर, अपनी जमीन पर फिर इन्वेस्ट मारा, पैदावार को बढ़ाया। वो किसान जो साइकिल पे थे वो स्कूटर पे आना शुरू हो गए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और सिर्फ ये नहीं होता, इसकी कई सारी मिसालें हैं। जीसीसी की कुछ कंट्रीज के अंदर इस वक्त ये चल रहा है कि वहाँ पे कानून बनाए जा रहे हैं, बड़े स्ट्रिक्ट कानून बनाए जा रहे हैं। अच्छा, उन कानून का नतीजा बेसिकली ये निकल रहा है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिजनेसेस ऐसे ठप हो गए, बिजनेसेस बैठ गए, बिजनेसेस को शट डाउन कर दिया लोगों ने। तो अब इसका, अब इस वक्त जो है वहाँ की गवर्नमेंट्स बेसिकली ये देख रही है कि यार हम क्या करें, इन कानून को अभी जारी रखें, अगर हम जारी रखते हैं तो ये सारे बिजनेसेस तो बंद हुए में तो बेसिकली इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, या हम थोड़ी सी ईज करें, यानी थोड़ा सा हम रिलैक्स करें कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा और टाइम है, अपने मामला को सीधा कर लो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये सारा कुछ किया क्यों जाता है, ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। क्यों किया जाता है? ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी हमारी सप्लाई उतनी बढ़ेगी, उतना ही कंट्री को फायदा होगा। बात समझ आई यहां तक? अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। यहां तक तो मैंने आपको पढ़ाए तीन इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करती है गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब एक सवाल आता है हमारे पास, और वो ये होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, या व्हाट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आता स्टेबिलिटी। अब मैं इसको बताता हूं आपको, गौर से जरा समझना, एग्जाम का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स व्हेन देयर इज लो वॉलिटैलिटी और फ्लक्चुएशन। वॉलिटैलिटी और फ्लक्चुएशन क्या? ये सारे जो नीचे आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन तमाम पॉइंट्स के अंदर जब फ्लक्चुएशन या वॉलिटैलिटी लो हो, यू हो किसमें? सबसे पहला प्राइस में। सबसे पहली चीज क्या? प्राइस के अंदर। प्राइसेस किसी कंट्री में अगर हाईली फ्लक्चुएट होंगी, तबाह हो जाएगी कंट्री, बर्बाद हो जाएगी कंट्री। सबसे पहला तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां का जो खुद इन्वेस्टर अपनी कंट्री का बैठा, वो अपना पैसा होल्ड कर देता है और बोलता है नहीं भाई, क्योंकि प्राइसेस इतनी फ्लक्चुएट हो रही है, मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट को मैं गैस ही नहीं कर पा रहा कि मुझे कितनी ऑपरेशन। बाहर से आने वाली फर्म वो अपना हाथ रोक देती है, वो कहती है यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो प्राइसेस इतनी फ्लक्चुएट हो रही है। तो बेसिकली स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्राइस में इंक्रीज तो आए, सारी दुनिया में आएगा और वो आ रहा है, मगर स्लो और प्रिडिक्टेड इंक्रीज आए। नंबर टू, जॉब की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ना वो हो जाए, एम्प्लॉयमेंट लेवल एकदम से बढ़ना चाहिए, लोगों को जॉब्स मिले। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस लेवल के ऊपर जॉब्स मिल रही हैं, किस लेवल के ऊपर कॉन्स्टेंटली लोगों को रखा जा रहा है। मैं आपको एक जीसीसी की, जो हमारी एक कंट्री है, वहां की मिसाल देता हूं। वहां पे उनके नेशनल्स को रखा जा रहा है, हर पोस्ट के ऊपर नेशनल्स को रखा जा रहा है, मगर ये मैं आपको बता दूं,
कि मिडिल मैनेजमेंट लेवल से ऊपर रखा जा रहा है, मिडिल मैनेजमेंट या उससे ऊपर, लोअर मैनेजमेंट या ये इसके ऊपर नहीं रखे। अगर आप बिल्कुल ही अनक्वालिफाइड हैं या आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऑफर होगी, मगर आपको जेनेटर या सफाई वाला या ये सब नहीं रखा जाएगा, मिडिल मैनेजमेंट या इससे ऊपर रखा जा रहा है। तो बेसिकली सीन क्या है, अब वो जैसे भी हो रहा है, आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे हो सकता है, वॉट एवर, बट कंट्री नोज बेटर, वो अपने लोगों के लिए जो भी भला सोच रहे हैं सोच रहे हैं, दैट्स फाइन। दूसरी चीज इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरी चीज इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल हो और स्टेबिलिटी के साथ बढ़ें, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स यू 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 ना हो, थोड़े 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 थोड़े, हाँ ये इंटरेस्ट रेट के अंदर नॉर्मली ये होता है कि आप जब इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको बैंक्स पहले बता देते हैं नॉर्मली हम कितना चार्ज करने वाले हैं, किस तरह से चार्ज होगा, कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन को हमेशा पहले पूरा कर लीजिए। एफडीआई और इन्वेस्टमेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेबिलिटी के लिए, कि आपके पास बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतना ज़्यादा अच्छा है, वो जब ही आएगी, जब ही आएगी, जब ये सारी चीज़ें भाई साहब स्टेबल होंगी। स्टेबल का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, स्टेबल का मतलब है ये ग्राफ ऐसे ऐसे चले, ग्राफ ऐसे ऐसे चले, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्लक्चुएट ना करे। अच्छा, ट्रेड के अंदर भी स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड क्या, आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं या आप डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं, स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम से तो आपने बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ लिए, अब आप उनको सप्लाई नहीं कर सके, या अभी आपके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है और आपने उनके साथ जो है वो आपकी एकदम से आसमान पे पहुंच गई ट्रेड, उसके बाद फिर स्टेबल स्टेबल किसी भी कंट्री की। सो व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसको गौर से समझे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीनिंग व्हेन देयर इज अ लो वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन इन द की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जब इनमें इनमें लो वोलेटिलिटी होगी, लो फ्लक्चुएशन होगी, तब इसका मतलब यह है कि एक कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल है। वो क्या है, सबसे पहले प्राइस, दूसरा जॉब मार्केट, तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, चौथा इंटरेस्ट रेट, पांचवा एफडीआई या इन्वेस्टमेंट्स, और छठा है ट्रेड, या जिसे आप फॉरेन ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड किसी भी तरह की आप ट्रेड कहते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया वो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, एंड मैंने आपको समझाया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। दिस वॉज माई लेक्चर ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, बहुत फायदा होगा उनका भी, यकीन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।